आप सभी को जय मसीह की। मेरे पियो, आजकल ऐसे बहुत से प्रार्थना आ रहे हैं कि मुझको कोरोना ना हो जाए, मुझको कोई बीमारी ना हो जाए। लोग एक डर की आत्मा उनके अंदर कार्य कर रहा है। व्हाट्सएप में 300-400 केवल प्रार्थना इसी के आ रहे हैं कि आप प्रार्थना कीजिए कि मेरे और मेरे घर, मेरे परिवार को कहीं कोरोना ना हो जाए। अगर सर्दी खांसी भी है तो लोग भेज रहे हैं कि आप प्रार्थना कीजिए, मुझे सर्दी खांसी है, मुझको कोरोना तो बीमारी तो नहीं हो गया है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे पे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं बल्कि हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है। अय्यूब लिखता है 3 अध्याय के उसके 25 पद में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पास लिखता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भयभीत खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। हालेलुया। मेरे पियो, जिस बात से हम डरते हैं वही बात हमारे ऊपर आ सकती है। शैतान यही चाहता है कि आप भयभीत रहें, आप डरे, आप सहमे रहे, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हजारों की संख्या में कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप में प्रार्थना उधर आ रहे हैं कि पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, कहीं मुझको कोरोना बीमारी तो नहीं हो गया है, मैं बीमार हूँ, कहीं मुझको बीमारी महामारी तो नहीं हो गया है। इस प्रकार से लोग डरे हुए हैं। मेरे पियो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप परमेश्वर भरोसा रखें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उस व्यक्ति के संपर्क में आया हूँ जो व्यक्ति को ये महामारी, ये बीमारी हुई है, तो आप जाकर डॉक्टर से मिले। ये ऐसे ही आपके पास चल के आने वाली बीमारी नहीं है, जब तक आप उसके पास नहीं जाएंगे तब तक ये बीमारी आपके पास नहीं आएगी। इसीलिए आप सतर्क रहें, ध्यान रखें, और जो आपके घर में दूध आता है, पेपर आता है, उन सारे देखिए, अच्छे से लीजिए, या फिर पेपर कुछ दिन के लिए बंद कीजिए। जो भी आप बाहर सामान लेके आते हैं उसको ध्यान रखिए कि कहीं वो कहीं भी हो सकता है, किसी दरवाजे कुंडी में, किसी जगह पे, आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ भी ये रह सकता है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक बीमारी है। लेकिन इस सबसे खतरनाक से बीमारी से भी हमारे परमेश्वर की करुणा, उसकी दया, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सतर्क रहिए और लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए। बहुत से ऐसे प्रार्थना आ रहे हैं, कल से, परसों से, 2-3 दिन हो गए, ऐसे हजारों की संख्या में रोज प्रार्थना निवेदन आ रहे हैं कि मुझको कोरोना बीमारी तो नहीं हो गया, सर्दी खांसी है, वो डर गए हैं। भाई बहन, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको सर्दी खांसी है तो जाइए डॉक्टर से मिलिए, अगर आपको नॉर्मल सर्दी खांसी है तो आप जाके मिलिए, आप इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि उस व्यक्ति के संपर्क में आया हूँ मैं जिसको बीमारी है, तो आप जाकर चेक करवाइए, लेकिन हमें इतना भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग डर रहे हैं, लेकिन यहाँ अय्यूब हमें बताता है, अय्यूब के पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ पास लिखा हुआ है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शैतान के चालों से हमें सतर्क रहना है। हमें इस संसार के जो शैतान है, हमें उससे बच के रहना है। तो आप सभी अपने आप को ध्यान रखें। और जब हम 2 तीमुथियुस 1:7 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। डर को एक विचार की जरूरत होती है मेरे पियो, और जैसे ही वो डर आपके अंदर आता है वो विचार उत्पन्न कर देता है आपके अंदर, और आप और भी उन विचारों को लेकर भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो हमें डरने की नहीं बल्कि संयम रखना है, और हमें सतर्क रहना है, और हमें प्रभु के वचनों पे विश्वास रखना है। हालेलुया। तो आप सभी अपने आप को इस बीमारी से बचाएं और दूसरों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये जो बीमारी है दूसरों के संपर्क में आने से ये फैलता है। आप कहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा उनसे दूरी बनाए रखें ताकि आपको ये बीमारी टच ना कर सके। इन सारे बातों को ध्यान रखते हुए आप प्रभु के वचनों पे भी चलिए। प्रभु का वचन भी कहता है हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिससे मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाता है।
तो हमें प्रभु के वचनों पर भी विश्वास रखना है और हमें सरकार के नियमों को भी पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करना है, उपवास के साथ रुककर हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, क्योंकि समय बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि समय बुरे हैं। तो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है और उसके वचनों पे चलते रहना है। हो सके तो उपवास में रुककर आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको इसमें आशीष प्रदान करेगा और सहायता प्रदान करेगा। गॉड ब्लेस यू।